हाय फ्रेंड, नमस्कार, कैसे हो? आज मैं बताऊंगा आपको बहुत ही अच्छी रेसिपी, बकरे की सीरी खुरी कैसे बनाएं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये, जो मटन खाने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, और इसको पूरी देखना, बहुत ही हेल्दी डाइट है ये, आपको जरूर पसंद आएगी। जो जो लोग मटन खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी है। जो लोग इंटरनल कमज़ोर हैं उनको ये रेसिपी जरूर जरूर खानी चाहिए, बकरे की सीरी खुरी। जैसे कि आप देख रहे हो फ्रेंड्स, यही बकरे की सीरी खुरी अपन बनाने वाले हैं। ये अच्छे से भून ली गई है, ऊपर से आग के अंदर इसको पहले सेका जाता है, फिर इसको भुना जाता है, तो ये अच्छे से भून लिए हैं। तो अब देखते हैं इसको कैसे कैसे इसको बनाते हैं। भूनने के बाद में भून के इसके बाल ऊपर से रिमूव कर दिए गए हैं। अब इसको अपन खाने के लायक कैसे बनाए इसको, ये अपन देखते हैं अभी। ये बहुत ही हेल्दी डाइट है, जो आदमी कमज़ोर है, जिसकी हड्डी वड्डी टूट गई हो, उस आदमी को जरूर ये सीरी खुरी खानी चाहिए, क्योंकि ये कैल्शियम से भरपूर होती है और इसमें इतनी स्वादिष्ट बनती है, ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। और सर्दी का सीजन चल रहा है तो आप मटन खाओ, उससे बेटर है। मटन चिकन नहीं खाना चाहिए बिल्कुल, ये चिकन से अच्छा है कि आप सीरी खुरी ला के खाएँ। जैसे आप देख रहे हो वही सीरी खुरी, और बहुत ही हेल्दी डाइट है, जिसमें कैल्शियम की कमी हो, जो आदमी कमज़ोर हो इंटरनल उसको ये डाइट जरूर खानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी डाइट है। सर्दी के टाइम पे खाना चाहिए, गर्मी में नहीं खाना चाहिए फ्रेंड्स। तो ऐसे एक एक करके अपन इसको पूरे को, इसकी जो खोपरी होती है वो खोपरी अपने को नहीं फोड़नी है, वो खोपरी अपने को पका के खानी है, तो वो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। उसके अंदर जो उसका मस्तिष्क होता है बकरे का, वो अपने को बहुत ही ताकत देता है, तो वो अपने को खानी चाहिए। तो इसको पूरा फोड़े नहीं, इसको ये ऊपर का पोर्शन अपन हटा लेंगे, और इसका जो सर है बकरे का, हेड है, वो अपन पूरा साबुत रखेंगे। तो बहुत ही स्वादिष्ट और लाभदायक ये रेसिपी है, बकरे की सीरी खुरी। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी पूरी देखना, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये बनती है। इसके जो जबड़े होते हैं वो अपन निकाल देते हैं, इसकी जो आंख होती हैं, आई होती हैं, वो अपन निकाल देते हैं, बाकी चीज पूरी खाने लायक होती है इसमें। इसमें कैल्शियम से भरपूर होती हैं चीज़ें, तो कैल्शियम, जिस आदमी में कैल्शियम की कमी हो तो उसको खास करके सीरी खुरी खानी चाहिए, बहुत ताकतवर चीज़ है ये। और ये मतलब ये सस्ती भी आती है, जो मेन मटन होता है वो जैसे 350-400 रुपये है, तो ये उससे आधी उतनी रेट में होती है, तो इसको जरूर खानी चाहिए, बहुत ही हेल्दी डाइट है ये। जो आदमी बिल्कुल कमज़ोर है वो अगर एक माने इस चीज़ को खा ले तो उसमें बहुत ताकत आ जाएगी, बहुत मोटा भी हो जाएगा और ताकतवर भी हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो फ्रेंड जरूर ट्राई करें ये सीरी पूरी। तो ये अपन इसी यहाँ से काट के इसको, इसके जो जबड़े हैं वो निकाल देंगे, जबड़े और जो इसकी आई होती हैं, आंखें होती हैं, वो खाने लायक नहीं होती, बाकी सब पोर्शन इसमें अच्छा होता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है सब्जी, मतलब मटन की सब्जी से बहुत, मटन चिकन अंडे इन सब से बहुत ही स्वादिष्ट बनती है ये। इसको 3-4 रोज अपन तक खा सकते हैं, 3-4 रोज कोई ख़राब नहीं होती है ये सब्जी, अगर एक बार बना के रख लो तो 3-4 रोज तक आप गर्म करके इसको खा सकते हो। ये पाए हैं फ्रेंड्स, अपने सर को अलग से काट के उसको अलग कर लिया है, और ये पाए हैं, इसको भी हम काट लेते हैं। पाए भी बहुत स्वादिष्ट बनते हैं, आने वाले वीडियो में मैं आपको पाए का सूप बनाना बताऊंगा। तो इसमें पाए में बहुत ही, जो अंदर हड्डी होती है, उस खोखली हड्डी होती है, उसमें अस्थि मज्जा होता है, वो बहुत ही अपने को ताकतवर देता है, तो उसको जरूर खाना चाहिए फ्रेंड्स। जो मटन खाते हैं लोग, मटन चिकन खाते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये, बकरे की सीरी खुरी। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे आप नए हो, अगर मेरे चैनल आप देख रहे हो, मेरी वीडियो आप लगातार देख रहे हो, तो मैं बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी इसमें डालने की कोशिश करता हूँ, सब कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
और कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि मुझे पता चल सके मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे कि नहीं आ रहे, और बेल आइकन को तो जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये पाए अपने ऐसे करके बड़े बड़े फिश कर लेंगे, जो ये इसकी हड्डी होती है इसको चूसने में बहुत ही मजा आता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है ये। जो लोग मटन खाते हैं या चिकन खाते हैं, अंडे खाते हैं, वो रेसिपी पूरी देखें प्लीज, क्योंकि मैं बताऊंगा इसमें कैसे ये बनती है। लोग बनाने के झंझट से इस चीज को लेके नहीं आते, बाकी बहुत ही इजी है ये बनाना, थोड़ा टाइम लगता है इसमें लेकिन बहुत ही इजी बन जाती है। ज़्यादातर वही चीज़ें डालते हैं जो अपन मटन में डालते हैं, तो ये अपनी जो पाए हैं बकरे के पाए वो कट चुके हैं, और इसको भी अपन उसी सब्जी के अंदर मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये आवश्यक सामग्री अपनी, ये अपना अपनी सीरी है बकरे की, इसको अपन साबुत रखेंगे और इसको साबुत ही पकानी है, उसके बाद में अपने खाएंगे। टमाटर लिए हैं फ्रेंड, हरी मिर्ची लिए हैं, कड़ी पत्ते, अदरक, लहसुन, प्याज लिए हैं, लाल मिर्ची, ये आवश्यक सामग्री है, हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च, नमक, जीरा, तेज पत्ता, लौंग, जावित्री, इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची, ये फ्रेंड्स अपनी आवश्यक सामग्री है। तो अपन अभी स्टार्ट करेंगे इसको सब्जी को बनाना। ये अपनी जो सीरी है इसको पूरा साबुत रखना है, अपने को फोड़ना नहीं है, इसको पूरा अपन सब्जी के अंदर पकाएंगे, और ये मतलब इस हद तक पकाएंगे इसको कि ये अपने आप फूट जाए, फूटने लग जाएगी लास्ट में ये। तो ये अपन सबसे पहले कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें ऑयल लेंगे, सरसों के ऑयल में ये ज़रूर बनाएं, रिफाइंड ऑयल ले लें, उसमें गर्म होने के बाद में जीरा डाल दिया, काली मिर्च डाल दी, और ये जो जितने भी अपने गर्म मसाले हैं, तेज पत्ता, जावित्री, इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, इसको डाल के, ये साबुत गरम मसाले हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। साबुत गरम मसाले मटन के अंदर जरूर डालने चाहिए। और ये अपने कड़ी पत्ते, कड़ी पत्ते सुखा कर ही डालें, नहीं तो इसमें ये बहुत ही, जब तेल में डालते हैं तो छींटे मारते हैं, तो ये इसको धो के अच्छे से पोंछ लें। तो ये हरी मिर्ची थी अपनी, ये अपन ने डाल दी इसमें, अभी इसमें प्याज डाल देंगे, इसको अच्छे से मिलाएंगे, तब तक ये ब्राउन होते हैं तब तक अपने को इसको पकाना है। प्याज मिर्ची हल्के ब्राउन हो जाएं तब तक अपने को फ्रेंड्स पकाना है इसको। ये हल्के हल्के अपने ब्राउन हो चुके हैं, अपना जो लहसुन अपने कूट लिया था वो लहसुन अपन डालेंगे इस टाइम, ताकि ये भी थोड़ा सा तेल के अंदर फ्राई हो जाए, थोड़ा पक जाए, तो लहसुन इस टाइम डालना है अपने को। अच्छे से मिला देना है, बिल्कुल हल्का ब्राउन होने तक अपने को पकाना है। तो अपने प्याज और मिर्ची पक चुके हैं, इसमें लाल मिर्ची ऐड कर देंगे, धनिया ऐड कर देंगे, हल्दी ऐड कर देंगे, नमक डाल देंगे, स्वाद के अनुसार लेना है फ्रेंड्स नमक, इसको अच्छे से मिला देंगे, और इसी तेल के अंदर इसको थोड़ा सा मसाले को भी अपन पकने देंगे। ये अपना मसाला पक चुका है, थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि अपना मसाला नीचे से लगे नहीं।
बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है फ्रेंड्स, बकरे की सीरी खुरी। तो ये फ्रेंड्स आपको जरूर पसंद आएगी, जरूर कभी ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छी रेसिपी अपनी बनेगी। इसमें थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंड्स, यही इसका थोड़ा सा वो है, बाकी ये बनने में और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। जब अपना मटन खाते हैं, मटन चिकन अंडे, इससे सबसे बेस्ट रेसिपी है ये। तो ये इस टाइम में अपन टमाटर डाल देंगे इसमें, टमाटर को भी अच्छे से पकने देंगे, थोड़े से ये गल जाएं। तो जो नए व्यूअर हैं फ्रेंड्स मेरे चैनल पे, जब भी देखते हैं और वो सब्सक्राइब नहीं करते, सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, जब भी आप यूट्यूब चैनल या वीडियो को मेरे को देखें और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल फ्रेंड्स, कमेंट तो ज़रूर करें ताकि मुझे पता चल सके मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा कि नहीं आ रहा, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अपन ने जो अपना मटन था बकरे की सीरी खुरी, ये अपने इसके अंदर ऐड कर दी है, अपने सिर्फ फूल लिया है, सिर्फ अपने फूल लिया है, ये फूल ही पकाना है अपने को, इसको फोड़ना नहीं है, फोड़ने के बाद वो टेस्ट नहीं रहता, इसको लगातार इसको पकाते रहना अपने को, इसी में सबसे ज़्यादा टेस्ट आता है। इसके अंदर जो बकरे का जो मस्तिष्क होता है वो अपने को लास्ट में जब पक जाएगा तब अपने को खाना होता है, तो बहुत ही ताकतवर होता है वो। और आप जो भी कमज़ोर आदमी हो, जैसे जिसमें जिसकी हड्डी जैसे टूट गई हो किसी की एक्सीडेंट से, उस आदमी को सीरी खुरी जरूर खानी चाहिए। और जो इंटरनल कमज़ोर हो, हेल्थ में भी कमज़ोर हो, उसको भी सीरी खुरी जरूर खानी चाहिए, क्योंकि अगर 1 महीने आदमी सीरी खुरी को खा लेना तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आदमी एकदम ताकतवर बन जाएगा, जिसकी हड्डी टूटी हुई वो भी रिकवर हो जाएगी 100%। लेकिन सर्दी के अंदर ही खाएं फ्रेंड्स, गर्मी में वो ताकतवर होता था तो इसलिए गर्मी में आप पचा नहीं पाओगे, तो सर्दी में ही इसको खाएं, कभी कभार खा सकते हो, गर्मी में भी ऐसी कोई बात नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, अपनी जो सीरी है काफ़ी बड़ी सीरी है ये लिए हैं, तो जो पकने में थोड़ा टाइम लेगी, लेकिन अपन लगातार इसको चलाते रहेंगे ताकि अपना मसाला नीचे लगे नहीं, अपने वो लगातार चलाते रहना पड़ेगा इसको, बीच में चेक करता रहना पड़ेगा ऊपर से। अगर आप चाहो तो फ्रेंड्स कुकर में बना सकते हो, कुकर में बंद हो जाएगी फटाक से, 7-8 सीटी लगाओ, 10 सीटी लगाओ, बन जाएगी, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो अपन खुले में नेचुरल में बनाते हैं, खुले में बहुत ही अच्छी टेस्ट आता है, तो मैं कढ़ाई में इसलिए बना रहा हूँ, तो इसको लगातार ढकते रहें आप, बीच बीच में चेक करते रहें इसको कि नीचे लग नहीं गई है, गैस की फ्लेम को भी लो हाई करते रहें बीच बीच में, आप लगातार नहीं चलाओगे तो ये नीचे लग सकता है अपनी कढ़ाई के अंदर, तो बीच बीच में इसको चलाते रहना है और बीच बीच में चेक भी करते रहना है अपने को भी। कोई भी इसकी सीरी खुरी की कोई भी कॉपी चेक कर लो आप, सारी कॉपी सेम होती हैं, मटन के अंदर बहुत सी प्रकार की वो रहती हैं कापियाँ, तो उसमें अपन चेक करते हैं तो कई बार मटन पकता नहीं अपना, तो इसमें सीरी खुरी में एक होता है सारी कापियाँ एक जैसी होती हैं, तो आप कोई किसी को भी चेक कर सकते हो, अगर वो पक गई है तो मतलब अपना मटन पक चुका है करीब करीब। तो ये अपना गरम मसाला है फ्रेंड्स, ये अपन इसमें डाल देंगे सब जो ऊपर से, जब थोड़ा पकने में आ जाए तब उस टाइम गरम मसाला डालना है अपने को। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी अपनी रेसिपी बन के तैयार होने वाली है, बकरे की सीरी पूरी जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये अपना बकरे का हाइड है जो अब थोड़ा थोड़ा पकने में आ चुका है, अगर थोड़ा ये कच्चा रह जाएगा अगर तो उसमें फोड़ने में बहुत दिक्कत आएगी, अपने जो अंदर जो इसमें जो बकरे का ब्रेन जो होता है वो अपन निकाल के खाएंगे, तो इसको अच्छे से पका लें ताकि इसकी हड्डी अच्छे आसानी से फूट सके। बहुत ही अच्छी अपनी रेसिपी बन के तैयार हो रही है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी फ्रेंड्स, इतनी मेहनत हम करते हैं, थोड़ी बहुत मेहनत तो आप भी करो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी से कि प्लीज़ ये रेड बटन का जो बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, प्लीज़ इसे दबा के सब्सक्राइब करें, लाइक करें फ्रेंड्स, कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चल सके मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा नहीं आ रहा, शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, और बेल आइकन जो है बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए फ्रेंड्स, अपनी मटन जो है बकरे की जो सीरी खुरी है करीब करीब पकने में आ चुकी है,
बहुत ही अच्छी है। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही अच्छा अपना मटन करीब बन के तैयार हुई है, ये करीब करीब पक चुकी है फ्रेंड्स। तो सभी व्यूवर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि मुझे पता चल सके मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा नहीं आ रहा। और बेल आइकन को फ्रेंड्स जरूर जरूर दबाएं, ताकि आने वाला इनकमिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू दोस्तों, बाय दोस्तों।